नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण की केसरिया चकिया मार्ग में कैथवलिया गांव के समीप बनने वाले विश्व के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर के निर्माण को लेकर बिहार न्यास बोर्ड के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा भूमि पूजन के साथ बोरिंग स्टार्ट कर पाइपिंग निर्माण कार्य शुभारम्भ किया गया। मंदिर निर्माण की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार्य एवं हनुमान चालीसा के पाठ के बाद प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। तत्पश्चात सभा का आयोजन किया गया, जहां बिहार न्यास बोर्ड के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण आगामी वर्ष 2025 में पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय से मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाए। मंदिर का निर्माण कार्य टेक इनफ्रंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मंदिर का नक्शा आ गया है। यह मंदिर 1080 फुट लंबा और 580 फुट चौड़ा होगा। इसके साथ ही 270 फुट ऊंची इमारत व 120 एकड़ क्षेत्रफल में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य होगा। पूरा एरिया 376,000 वर्ग फुट होगा, जिसमें मंदिरों की संख्या 22 एवं शिखरों की संख्या 12 होगी। मंदिर भवन भगवान राम की कहानी पर आधारित सभी मंदिरों में विराट होगा। मंदिर में 210 टन वजन का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जबकि इमारत 3 मंजिला होगा। शिवलिंग एंट्री के बाद प्रथम पूजन बिंधुवार्ता भगवान गणेश के दर्शन होंगे। वहां से बढ़ते ही काले ग्रेनाइट की चट्टान से बने विशाल शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस अवसर पर आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र शयन कुणाल भी मौजूद थे। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर आचार्य किशोर कुणाल बिहार न्यास बोर्ड के सचिव क्या कह रहे हैं। निर्माण का ये ऐतिहासिक दिन है। हम लोग मंदिर बना रहे हैं खूबसूरती में, भव्यता में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में विश्व स्तरीय मंदिर है। और हम लोग आशा करते हैं 30 नवंबर 2023 को ही ये 3,102 भूगर्भ खम्भे हैं जो खाली नीचे होना है, उनके काम पूरा हो जाए। 2025 तक हम लोग इसका 3 मंजिला मंदिर जो है 22 मंदिर बना देंगे। टावर भी बन जाएगा, शिखर भी बन जाएगा, लेकिन उसकी सजावट भी थोड़ा सा। इस पूरे मंदिर की अगर कहें तो सबसे बड़ी खासियत खासियत है, अभी देश का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है 270। मंदिर के लिए या किसी भी इमारत के लिए जमीन के नीचे का जो काम होता है वो सबसे मुश्किल भरा काम होता है। जो 100 फीट नीचे तक मुझे लगता है करीब 1500 भूगर्भ खम्भे बनाने हैं, 100 फीट नीचे तक खोदना है, 3,100 से अधिक फाइल करने हैं। और जो एग्रीमेंट हम लोगों का है उसके अनुसार 30 नवंबर 2023 को पूरा करना है। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतना विश्वास है, ये बोल रहे हैं कि हम 15-20 नवंबर तक ही पूरा कर देंगे। हम लोगों ने अब तक जो टेंडर दिया था पूरे मंदिर का दिया, और टेंडर का जो तरीका पता नहीं, हम लोगों को तो अनुभव था नहीं, सरकारी महकमों में होता होगा, जो सरकारी रेट है उस पर 20-30-40-50-60% अधिक लोग रखते हैं और तब निर्धारित होता है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार पहले